स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और ये भी एक डाउट सेशन है। मेरे पास डाउट आया था एक बच्चे की तरफ से, तो मैं चाहूंगा वो डाउट क्लियर करना। सो हेलो, आई एम ईश्वर विश्वास, बायोलॉजी लेक्चरर फ्रॉम एमवीएन स्कूल। नाउ जो डाउट आया है वो ये है कि डीएनए कॉपिंग जरूरी क्यों होती है रिप्रोडक्शन के लिए। तो सुनिए ध्यान से, इसके लिए मैं ब्लैक स्क्रीन लेना चाहूंगा जिससे कि आपका डेटा भी कम खर्च हो। ठीक है भाई, तो सुनिए ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी क्वेश्चन। आई थिंक बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं। तो देखो भाई, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि डीएनए की कॉपी होना जरूरी क्यों है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, चलो इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर की तरफ चलूं, मैं थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस बात में बिलीव रखता हूं कि जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं है हम आगे के कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हैं। ये तो कोई भी नॉर्मल सी बात है। अब सुनिए, देखो भाई डीएनए क्या होता है। डीएनए सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, ऐसा आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये है कोई डीएनए। और डीएनए क्या काम करता है, डीएनए सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, वो अलग बात है। ठीक है, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, अब जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, ये क्वेश्चन भी दिमाग में अराइज हो सकता है, लाजमी है इसका आना। देखिए बच्चे, जेनेटिक मटेरियल वो होता है जिसके पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो जिसके पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और डीएनए को, देखिए मैंने जेनेटिक मटेरियल क्यों बताया इसको, क्योंकि इसके पास क्या है, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। क्योंकि इसके पास हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इसीलिए हम इसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अब सर, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है, देखिए एक ह्यूमन को ह्यूमन की तरह दिखाने के लिए जरूरी है कि उसके डीएनए के पास वो ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन हो जो एक ह्यूमन होने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ऐसे ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलो फिश का जो डीएनए है, मैंने यहां पे फिश का डीएनए ले लिया है कोई, ठीक है, ये है डीएनए ऑफ फिश। तो फिश के डीएनए के पास वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिज्म फिश की तरह दिख रहा है। ऐसे ही ह्यूमन के पास वो ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से ह्यूमन की स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि हम देख पा रहे हैं। तो हमारी जो बनावट है वो डिपेंड करती है हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ऊपर, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, जेनेटिक मटेरियल के पास होती है। और हमारा जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, डीएनए होता है। आई थिंक यहां तक बात आपकी क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अच्छा एक और बात, डीएनए को इनहेरिटेंस का मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस का मटेरियल, ठीक है, जो इनहेरिटेंस करता हो, इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस के मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो हीरिडिटी की प्रोसेस कराता हो। अब ये हीरिडिटी की प्रोसेस क्या होती है, हाँ यहां बात आती है। अब तो देखिए, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है भाई, पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग्स।
अब यहां पर एक मिनट, सॉरी, ये पेन अटक जाता है और कोई बात नहीं है, फिलहाल यहां सुनिए बात को ध्यान से। हाँ जी, ऑफ स्प्रिंग्स क्या होते हैं? संतानों को ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, और पेरेंट्स तो आप जानते हो पेरेंट किनको बोलते हैं। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं, कुछ क्या, मोस्टली सभी कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन वो कौन से कैरेक्टर? जेनेटिक कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर। तो ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं उनको हम जेनेटिक कैरेक्टर बोलते हैं, और ऐसे कैरेक्टर जो पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होते हैं उनको मैं साइड में बता रहा हूं, उसको हम एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। जब मैं आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊंगा तब ये बात मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? और अगर अभी जानना है तो बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स में चले जाइए, मैंने 12th क्लास के लिए एक प्लेलिस्ट बना रखी है फिलहाल। हाँ जी, तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कौन से गुण होते हैं, कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, यहां बात आती है। तो सुनिए, पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग्स में, मैं ऑफ लिख रहा हूं सिर्फ, ठीक है? ऑफ मतलब ऑन ऑफ वाला ऑफ नहीं है ये, यहाँ पे ऑफ का मतलब है ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स मतलब होता है संतान, संतान, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल यहां पे, जैसे कि आई कलर, ठीक है, स्किन कलर, स्किन कलर, और बॉडी की जो बनावट है, बॉडी स्ट्रक्चर। मैंने ये कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं, लेकिन हमारी बॉडी की जो एनाटॉमी है और हमारी बॉडी की जो मॉर्फोलॉजी है, ये सब डिसाइड करता है, ये सब डिसाइड करते हैं हमारे जेनेटिक कैरेक्टर, ठीक है? ये सब कौन डिसाइड करता है? जेनेटिक कैरेक्टर डिसाइड करता है। और जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल अगेन डीएनए ही होता है। तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं यहां पे, सुनिए, इन्फॉर्मेशन ये है, देखो मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि पेरेंट से गैमेट्स आते हैं गैमेट्स, हैप्लॉयड गैमेट्स आते हैं। हैप्लॉयड क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन मैंने बताया है, यहाँ पे क्रोमोसोम का एक सेट यहाँ से आ रहा है और एक सेट क्रोमोसोम का मान चलो मदर से आ रहा है, ये मैंने मदर बन सॉरी सॉरी ये मैंने मेल बना दिया, ठीक है? तो एक तरफ मैंने मदर बना दी फीमेल और एक तरफ मैंने मेल बना दिया है, तो यहां से गैमेट्स आते हैं, गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स किससे बनता है? डीएनए से ही बनता है, ये बात भी मैं क्लियर कर चुका हूं। अगर आपको ये बात भी क्लियर करनी है तो मैंने क्लास 9th के प्लेलिस्ट में न्यूक्लियस पढ़ा रखा है, उस न्यूक्लियस को आप एक बार देख ले, उस वाले लेक्चर को एक बार देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये क्रोमोसोम डीएनए से ही बने होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं? डीएनए से ही बने हुए हैं, और डीएनए के पास ही हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो देखो भाई, ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं, इजी कर रहा हूं, ठीक है? ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, इसके पास जो डीएनए होगा उसके अंदर भी ह्यूमन वाले जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी, और इसके पास भी, फीमेल वाले के पास भी ह्यूमन वाली जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगी। जैसे ही ये दोनों गैमेट फर्टिलाइज करते हैं और जो जायगोट बनता है, और फ्यूचर में जायगोट से जो एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर भी वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि एक ह्यूमन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तभी बच्चा ह्यूमन ही पैदा होता है, ठीक है? ह्यूमन बच्चा इसीलिए ही पैदा होता है क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ह्यूमन वाली ही है। ये थे बेसिक ऑफ डीएनए, डीएनए के बारे में जो मैं बताना चाह रहा था, ट्रांसफर कैसे होता है, क्या क्या सिस्टम है, वो मैंने बता दिया है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई डाउट यहां तक रह गया हो, इस स्कीम के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड है, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, अगर कुछ रह जाता है तो आप मेरे से उसको फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक है? एनाटोमी क्या होती है समझ लीजिए, एनाटोमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को हम
एनाटॉमी बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी हम बोलते हैं बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को, ठीक है। और अगर आपके दिमाग में यहाँ पर ये बात आ रही होगी कि सर हेरिडिटी क्या होता है ये भी बता दीजिए, तो हेरिडिटी भी एक प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर होता है पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में। हेरिडिटी बोल दो, इनहेरिटेंस बोल दो, सिमिलर से ही मीनिंग है इनके, ठीक है। तो डीएनए कितना जरूरी होता है ये तो आप जान चुके हो। अब डीएनए की कॉपी होना क्यों जरूरी है, डीएनए की कॉपी होना क्यों जरूरी बन जाता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, तो वो सुन लीजिए, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 3 सेकंड्स में, ये खत्म करते हैं इसे। हाँ जी, अब देखो भाई डीएनए की कॉपी क्यों जरूरी होती है, देखो भाई आप 12th क्लास में ये चीज पढ़ लेंगे कि डीएनए की कॉपी की प्रोसेस को, जिसमें डीएनए 1 से 2 बनते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी बेसिक प्रोसेस यहाँ पे बना दी है, ठीक है। डीएनए की कॉपी होने वाली प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डीएनए की कॉपी होने वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। बस क्वालिटी से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा ये चित्रकारी में कमी नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ आपके सामने, ठीक है भाई। तो बने रहिए क्लास में मेरे साथ और हम नॉलेज की एकदम रूट तक पहुंचेंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है भाई। तो सुने, एंजॉय करें क्लास को और मेरी क्रिएटिविटी को देख ही सकते हो आप, है ना, जो मैं बना रहा हूँ। हाँ जी, तो सुनिए, ये है पेरेंटल डीएनए, आप इसको बोल सकते हो, मतलब कि जो ओरिजिनल डीएनए है, कोई पुराना डीएनए है, मतलब कोई ऐसा डीएनए जिससे 2 डीएनए बन रहे हैं, यहाँ पे 1 डीएनए इधर बन गया, 1 डीएनए इधर बन गया। तो डीएनए की इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब देखो भाई डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जरूरी क्यों होती है, सबसे पहले बात करता हूं मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मैं टोटल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, आगे का पीछे का दाएं का बाएं का कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल में क्या होता है, कोई एक पेरेंट बॉडी होती है और उससे डॉटर सेल्स बन जाते हैं या फिर डॉटर बॉडीज या फिर उनकी ऑफस्प्रिंग्स बन जाती हैं। अब आप मुझे बताइए, इसके पास अगर कोई एक सेट ऑफ डीएनए है, मान चलो इसके पास है डीएनए 2C कंटेंट, आप बस ऐसे मान लीजिए मैंने 2 यूनिट डीएनए ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर भी 2 यूनिट डीएनए ट्रांसफर करना है और इसके अंदर भी 2 यूनिट डीएनए ट्रांसफर करना है, ऐसा तो नहीं है कि मैं इस डीएनए को 2C बस मुझे ये वाला बेटा पे आ रहा है तो मैं इसको ही दे दूं और इसको ना दूं, ऐसा तो कोई स्कीम ही नहीं है बायोलॉजी में, ऐसी तो कोई स्कीम ही नहीं है। तो हमें करना क्या है, तो देखो हमें करना क्या है, हमें ये 2C कंटेंट को 4C बनाना पड़ेगा, इस 2C कंटेंट को 4C बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, 4C, जिससे कि यहाँ पे भी 2C और यहाँ पे भी 2C, तो एक संतान के पास मेरा ये डीएनए पहुंचे आधा और आधा इसके पास पहुंचे, तो ये हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अगर मुझे अपने बच्चों में बराबर बराबर डीएनए ट्रांसफर करना है तो जाहिर सी बात है मुझे डीएनए को क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट कराना पड़ेगा, डीएनए की कॉपी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डीएनए 2C से क्या करना पड़ेगा, 4C करना पड़ेगा और फिर 4C आधा आधा बढ़ जाएगा। तो बराबर बराबर डीएनए ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए की कॉपी जरूरी बनती है। तो ये तो था एसेक्सुअल मोड में। अब सेक्सुअल में क्यों जरूरी होता है, सेक्सुअल में भी सेम यही केस आ जाएगा, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक एक गैमेट्स तक और एक अपनी संतानों तक पहुंचानी होती है, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इसीलिए जिससे कि पेरेंट के पास भी डीएनए रहे, उनके बच्चों के पास भी डीएनए पहुंच जाए, ठीक है, और बराबर बराबर पहुंचे सबके पास बराबर बराबर डीएनए पहुंचे, इसीलिए प्रोसेस है जो डीएनए रेप्लिकेशन की वो जरूरी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको ये आंसर मिल गया होगा, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल को बराबर बराबर ट्रांसफर करने के लिए, है ना, हमें क्या करना पड़ता है, डीएनए रेप्लिकेशन कराना पड़ता है।
ठीक है, तो इसी के साथ आपके डाउट क्लियर हो जाता है। अब मैं एक और क्लास का डाउट लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो उसकी आज ही पोस्ट करता हूँ। ठीक है, खत्म।